मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तय किया है। मध्य प्रदेश से डॉक्टर सत्यनारायण जतिया, पूर्व में सांसद लोकसभा के रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और दूसरे सीट पर हमारे प्रभात झा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिलेगा, वो तीनों सीटों का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। विजय गोयल दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद, श्री रामनारायण डूडी, श्री रामनारायण डूडी, और तीसरा DUDI नारायण पंचारिया, नारायण पंचारिया भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के वरिष्ठ नेता है और एडवोकेट है। और बिहार से भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को तय किया है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर CP ठाकुर और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री RK सिन्हा, इन दोनों का नाम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। और गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के बारे में परामर्श जारी है। कल परसों में हम इन तीनों राज्यों का उम्मीदवार घोषित करने वाले हैं। और झारखंड में, ओडिशा में और असम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। झारखंड में 18 विधायक हैं, ओडिशा में हमारे 6 विधायक हैं और असम में 5 विधायक हैं। और इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी किसको समर्थन देंगे, इसके बारे में वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के प्रदेश के टीम के साथ, कोर टीम के साथ और प्रभारी के साथ सलाह मशवरा करके निर्णय करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव समिति ने अधिकृत किया है।